हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेरा अगेन। हाउ टू इंडिकेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का एक छोटा सा वीडियो एक रिक्वेस्ट वीडियो है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सभी लोगों के लिए जिनका बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। आप में से ही हमारे कुछ यूट्यूब सब्सक्राइबर ने पूछा है कि उनका बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच में है जो कि उनके घर से है काफ़ी दूर। अब उनके घर के बगल में ही एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच खुल चुकी है और वो चाहते हैं कि वो दूर वाली ब्रांच से उनका अकाउंट ट्रांसफर हो जाए पास वाली ब्रांच में, तो वो ऑनलाइन कैसे हो सकता है। या फिर पहले आप लोग किसी और सिटी में रहते थे और उस सिटी की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में आप लोगों ने अपना बैंक अकाउंट खुलवाया था, अब आप लोग वहाँ से माइग्रेट कर चुके हैं और आप लोगों का वहाँ जाना भी कम होता है, हो सकता है वो आप लोगों का स्टूडेंट अकाउंट हो, सैलरी अकाउंट हो या कोई भी और अकाउंट हो, और आप लोग उसको जहाँ पर अभी रह रहे हैं वहाँ पर ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, तो आप लोग उसको ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, ये आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं इसको कैसे करना है तो फिर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट में आ जाना है जो कि है onlinesbi.com। अगर आपका अकाउंट इसमें नहीं है, onlinesbi.com में आप लोग इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल नहीं करते हैं लेकिन आप लोगों का बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आप सभी लोगों को बताया कि आप लोग इंटरनेट बैंकिंग के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए और अपना अकाउंट इसमें बना लीजिए। तो मैं यहाँ पर से onlinesbi.com में लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर से मैं लॉगिन पर क्लिक करूँगा, कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा और यूज़र नेम पासवर्ड डालकर इसमें मैं लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर से देखिए, मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट में लॉगिन कर लिया है। अब अगर आप लोगों को अपना अकाउंट ट्रांसफर करना है तो उसके लिए यहाँ पर देखिए आप लोगों के पास एक ऑप्शन होता है ई सर्विसेज का, आप लोग यहाँ पर से इस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे आप लोग यहाँ पर से इस पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल हैं वो सारी की सारी सर्विसेज यहाँ पर आपको मिल जाएगी और आप लोगों को यहाँ पर से सर्च करना होगा ट्रांसफर ऑफ सेविंग अकाउंट, तो आप लोगों को यहाँ पर ये मिल जाएगा। हो सकता है ये कहीं यहाँ दाएं बाएं चले जाए भविष्य में, जैसे जैसे सर्विसेज बढ़ेंगी तो ये आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप लोग यहाँ पर से इसमें क्लिक करेंगे ट्रांसफर ऑफ सेविंग अकाउंट पे, तो मैं यहाँ पर से इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए, जैसे मैंने ट्रांसफर ऑफ सेविंग अकाउंट पे क्लिक करा तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं ट्रांसफर ऑफ सेविंग अकाउंट पेज के अंदर और उसके बाद यहाँ पर से रिक्वेस्ट के अंदर। तो यहाँ पर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो रिक्वेस्ट है हम लोग सुबह 8 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक ही कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग इसको नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर से 8:57 हो चुका है और हम लोग ये जो काम कर सकते थे ये सुबह 8 बजे से लेके शाम के 8 बजे के बीच में ही कर सकते थे। तो फिलहाल मैं यहाँ पर से इस वीडियो को यहीं पर पॉज करता हूँ और उसके बाद हम लोग इस वीडियो को कल कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर से देखिए, हम लोग दोबारा से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट पर आ चुके हैं और मैंने अपने अकाउंट पर लॉगिन कर लिया है। हम लोग वीडियो बना रहे थे कि अपने बैंक अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में कैसे ट्रांसफर करें और उस दिन तारीख थी 20 और टाइम हो गया था शाम के 8:57, इस वजह से हम लोग उसको नहीं कर पाए थे कंप्लीट, क्योंकि ये जो काम होता है सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक ही होता है। तो आज तारीख है 27 और टाइम हो रहा है 12:18, तो हम लोग इसको कंप्लीट कर पाएंगे। अब मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप लोग अपने अकाउंट को ट्रांसफर करने के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोगों को ई सर्विसेज पर क्लिक करना है, आप लोग ई सर्विसेज पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर से ट्रांसफर ऑफ सेविंग अकाउंट पर क्लिक करना था, आप लोग इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लोग ट्रांसफर ऑफ सेविंग अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर से ट्रांसफर ऑफ सेविंग अकाउंट वाले वेब पेज पर आ जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर से आप लोगों को अपने बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करना होगा जिसको भी आप लोग ट्रांसफर करना चाहते हैं। मेरे केस में यहाँ पर ये एक ही अकाउंट है तो यहाँ पर से बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है। अगर आपके मल्टीपल अकाउंट हैं तो आप लोग उस अकाउंट को सेलेक्ट कर लीजिए जिसको भी आप लोग ट्रांसफर करना चाहते हैं। उसके बाद यहां पर आप लोगों को अपना ब्रांच का कोड डालना होगा जिस भी ब्रांच में आप लोग अपना अकाउंट को ट्रांसफर करना चाहते हैं, आप लोग ब्रांच का कोड यहां पर एंटर कर दीजिए। उसके बाद आप लोग गेट ब्रांच नेम पे क्लिक करेंगे तो ये जिसका भी कोड आप लोग यहां पर डालेंगे उसका नाम यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा। फिर आप लोगों को आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना होगा। अगर आप लोग इनके टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना चाहते हैं तो उसको पढ़ लीजिए और फिर सबमिट पे क्लिक करना होगा। अगर आप लोगों को अपना ब्रांच का कोड नहीं पता है तो आप लोग ब्रांच में जाकर पता कर सकते हैं उनका कोड, और नहीं तो आप लोग यहाँ पर से ऑनलाइन भी इसकी हेल्प ले सकते हैं ब्रांच लोकेटर का। आप लोगों को यहाँ पर से ब्रांच लोकेटर पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर से ब्रांच लोकेटर पर क्लिक करेंगे तो फिलहाल तो अभी ये वेब पेज काम नहीं कर रहा है, लेकिन हो सकता है जब आप लोग करें तो यहाँ पर ये वेब पेज काम करें। और इस वेब पेज में आप लोग अपने पिन कोड से, अपने स्टेट से, आप लोग अपने सिटी से सर्च कर सकते हैं अपने ब्रांच को और आप लोग उसका कोड जो है उसको निकाल सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को बताया कि ये ब्रांच लोकेटर कैसे काम करता है, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है ब्रांच को लोकेट करने में। तो फिलहाल मैं यहाँ पर से अपनी ब्रांच का कोड डालता हूँ। मेरी ब्रांच का जो कोड है जिसमें भी मेरे को अपना अकाउंट ट्रांसफर करना है वो है 19257। मैंने यहाँ पर से ब्रांच कोड डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर से गेट ब्रांच नेम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर से देखिए SBI इनटच हल्द्वानी इसका नाम लिखा हुआ आ चुका है। अब मैं यहाँ पर से इसको एक्सेप्ट करता हूँ और सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए कंफर्मेशन के लिए बोल रहा है, ये बोल रहा है वेरीफाई डिटेल्स एंड कन्फर्म दिस ट्रांजेक्शन। तो आप लोगों को क्या करना होगा, पहले मेरा जो ब्रांच का कोड था जहाँ पर मेरा अकाउंट था वो ये वाला था, हल्द्वानी मेन ब्रांच थी। अब मेरे को यहाँ पर अकाउंट ट्रांसफर करना है, उसका कोड ये है और ब्रांच का नाम ये है SBI इनटच हल्द्वानी। और यहाँ पर से देखिए डिलीवरी मोड जो है वो है ऑनलाइन, तो मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ।
तो जैसे ही मैंने कंफर्म पे क्लिक करा तो यहाँ पर से देखिए इसने एक ओटीपी भेज दिया है मेरे मोबाइल फोन पे। अब मुझे क्या करना होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करके कंफर्म पे क्लिक करना होगा। तो मैं ओटीपी को डाल देता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए मैंने ओटीपी को एंटर कर दिया। अब मैं यहाँ पर से कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए मेरे पास एक मैसेज आ चुका है जिसमें लिखा हुआ है यूर अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, और यहाँ पर लिखा है ट्रांजेक्शन स्टेटस कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर से मेरा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर हो चुका है, और यहाँ पर से ब्रांच की डिटेल जो है वो लिखी हुई आ रही है। मेरा अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, अकाउंट का टाइप लिखा हुआ है, और ब्रांच जहाँ पर मेरा अकाउंट ट्रांसफर हुआ है उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर से देखिए मेरी जो पुरानी ब्रांच थी उसका कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, नई ब्रांच का कोड यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऐसे करके आप लोग ऑनलाइन अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और आपके काम आया तो यहाँ पर लाइक बटन में क्लिक करके इसको जरूर लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप लोगों के कोई सवाल या फिर सुझाव हैं तो भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं या फिर बता सकते हैं। और ऐसे ही कंप्यूटर इंटरनेट मोबाइल वेब और इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित और हाउ टू वीडियो देखने के लिए आप हमारे हाउ टू यूट्यूब चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब कर रखा है तो बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। उससे होगा ये कि जितने भी हम वीडियो डालेंगे हाउ टू हिंदी में उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और फिर आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।